हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग 7 लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट आरसी के तरफ से अपडेट किया गया है। और हम लोग हॉल टिकट के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में, इसलिए कंप्लीट देखिएगा वीडियो को ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस नहीं हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुंचता रहे। और आप हमारे साथ इन सभी सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ सकते हो, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नोटिफिकेशन आपके चंडीगढ़ रीजनल सेंटर की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें आपको बताया गया है कि जिन भी स्टूडेंट ने अपने टर्म इन एग्जामिनेशन जून 2021 के लिए अपना असाइनमेंट सबमिट किया है, देन उसका दो अलग अलग लिस्ट जारी किया गया है। एक लिस्ट में आपका रिसीव्ड सक्सेसफुली है असाइनमेंट, एक में आपका एरर है। ठीक है, तो ये है जो सक्सेसफुली जिनका असाइनमेंट रिसीव हुआ है उनका नाम इस लिस्ट में है। तो चंडीगढ़ रीजनल सेंटर के स्टूडेंट अपना नाम इस लिस्ट में जरूर चेक करें। यहाँ पे प्रोग्राम कोड, एनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट का नेम, डेट, टाइम और स्टडी सेंटर कोड, कोर्स कोड के साथ लिस्ट जारी किया गया है। तो सभी स्टूडेंट इस लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक करें, चंडीगढ़ रीजनल सेंटर के स्टूडेंट। ये पीडीएफ आपका 310 पेज का दिया गया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर इस लिस्ट के अंदर नाम अपना चेक कर लीजिए। सेकेंड लिस्ट है जिसमें आपका असाइनमेंट में एरर था, तो उन स्टूडेंट का नाम इस लिस्ट में दिया गया है। तो सभी स्टूडेंट दोनों लिस्ट को चेक कीजिए कि किस लिस्ट में आपका नाम है। इस तरीके से आपका ये लंबा सा लिस्ट है जो कि आपका 15 पेज का है। और लास्ट में आपको बताया गया है कि अगर आपके असाइनमेंट में एरर है देन आपको क्या करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसमें आपको बताया गया है कि जो स्टूडेंट का नाम इस लिस्ट में है जिनका असाइनमेंट में एरर है, वो अपने असाइनमेंट को अपने स्टडी सेंटर पर जल्दी से जल्दी सबमिट करें। यहाँ आप नोट में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा गया है, इन सभी विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि अपनी असाइनमेंट की हार्ड कॉपी अपने अध्ययन केंद्र पर शीघ्र जमा कराएं। मीन्स अपने स्टडी सेंटर पर जल्दी से जल्दी आप अपने असाइनमेंट को सबमिट कर लीजिए जिन भी स्टूडेंट का इस लिस्ट में नाम है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की ओर, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और नेक्स्ट अपडेट आपके जयपुर रीजनल सेंटर की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें आपको बताया गया है कि जिन भी स्टूडेंट ने बीसीए और एमसीए के लिए अपना प्रोजेक्ट और सिनॉप्सिस सबमिट किया था, तो उनका एक लिस्ट जारी किया गया है अप्रूवल का। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जिन भी स्टूडेंट का नाम यहाँ पे दिया गया है, कोर्स कोड दिया गया है, प्रोग्राम कोड दिया गया है और उनका प्रोजेक्ट और सिनॉप्सिस अप्रूव हुआ है या नहीं यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे ये स्टूडेंट सोनू कुमारी जो कि बीसीए प्रोग्राम के है और इनके कोर्स कोड यहाँ पे दिया गया, ये नॉट अप्रूव लिख रहा है। मीन्स यहाँ इनका जो सिनॉप्सिस है और प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली अप्रूव नहीं हुआ है। और सजेशन आपको यहाँ पे दिया गया है अप्रूव्ड हुआ है यहाँ पे, और ये आपका यहाँ पे इन स्टूडेंट का तुषार सिंह का नॉट अप्रूव लिख रहा है। और इनका प्रोजेक्ट और या फिर सिनॉप्सिस सबमिट क्यों नहीं हुआ है, सक्सेसफुली अप्रूव्ड क्यों नहीं हुआ है, ये सजेशन में आपको यहाँ पे दिया गया, द कैंडिडेट हैज नॉट इंक्लूड द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉड्यूल्स, डेटा स्ट्रक्चर, प्रोसेस लॉजिक, रिपोर्ट इज लैकिंग। ठीक है, तो ये सजेशन आपको दिया गया है। तो इतने सारे स्टूडेंट है जिनमें से 6 स्टूडेंट का ही प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली अप्रूव हुआ है। तो सभी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट बीसीए और एमसीए के है जयपुर रीजनल सेंटर से, तो इस लिस्ट के अंदर आप अपना नाम जरूर चेक कर लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और नेक्स्ट नोटिफिकेशन भी आपके जयपुर रीजनल सेंटर की तरफ से जारी किया गया, जिसमें आपको बताया गया है लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड नॉट अप्रूव्ड एमएपीसी प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस एवेल्युएटेड एट आरसी लेवल। एमएपीसी प्रोग्राम के स्टूडेंट जिन्होंने अपना प्रोजेक्ट और सिनॉप्सिस सबमिट किया था वो अप्रूव हुआ है या नहीं, उसका एक लिस्ट जारी किया गया। आप देख पा रहे होंगे, आप 27 ऑफ जुलाई को ये लिस्ट आया है। तो जो भी स्टूडेंट एमएपीसी के है और जयपुर रीजनल सेंटर से, तो इस लिस्ट के अंदर आप अपना नाम जरूर चेक कर लीजिए, ये आपका सक्सेसफुली अप्रूव्ड हुआ है या नहीं। इस लिस्ट में आपको बताया गया है, सजेशन है, यहाँ पे आपका स्टेटस है, कोर्स कोड है, प्रोग्राम कोड है, नेम है, एनरोलमेंट नंबर है स्टूडेंट का, तो आप अपना इस लिस्ट के अंदर नाम जरूर देखिए। ये 2 पेज का आपका पीडीएफ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और नेक्स्ट अपडेट जो जयपुर रीजनल सेंटर की तरफ से है, इसमें भी आपको यही बताया गया है कि जो भी स्टूडेंट एमएईडीयू प्रोग्राम के है या फिर पीजीडीईएमए प्रोग्राम के है, तो उन्होंने अपना सिनॉप्सिस सबमिट किया था तो वो अप्रूवल हुआ है या नहीं, उसका लिस्ट जारी किया गया है। इस लिस्ट के अंदर जो भी स्टूडेंट इस प्रोग्राम के है अपना नाम जरूर चेक कर लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, राइट। और नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं हॉल टिकट के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो बहुत परेशान है और जाहिर सी बात है कि उनका हॉल टिकट अभी तक नहीं आया है, तो स्टूडेंट काफी परेशान है, तो डिले हो रहा है, जरूर आप हॉल टिकट आने में डिले हो रहा है, अभी तक नहीं आया है, तो सो आप लोग अपडेट कर लीजिए, जल्दी ही आपका आज या कल में ही आपका हॉल टिकट आ जाएगा। जैसे ही आएगा आपको यहाँ से अपडेट मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि दिसंबर 2020 का ही हॉल टिकट यहाँ पे शो कर रहा है, मीन्स आपका 2021 के लिए हॉल टिकट अभी नहीं आया है। और नेक्स्ट अपडेट के ऊपर बात कर ले तो आपको मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि आपका
आपका जो है फ्रेश एडमिशन का जो लास्ट डेट है वो 31st of July है, जो कि इंड ही होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट अगर अभी तक एडमिशन नहीं लिए है तो वो जल्द से जल्द ले लीजिए, क्योंकि कहाँ नहीं जा सकता फिर से डेट एक्सटेंड होगा या नहीं, ठीक है। तो आप अपना जल्दी से एडमिशन ले लीजिए। नेक्स्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तो आपका री रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो 31st of July है। तो जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक अपना री रजिस्ट्रेशन नहीं किया है जल्दी से जल्दी कर लीजिए, क्योंकि कहाँ नहीं जा सकता कि आपका डेट एक्सटेंड होगा या नहीं, ठीक है। तो ये सब था आज का आपका नोटिफिकेशन, जो कि इंपॉर्टेंट था आपके लिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।